हाय गाइस, दिस इज वीडियो वेलकम बैक। मतलब सोचो ही मत, पॉइंटर रोई कर दूंगा। हां हाय गाइस, दिस इज वीडियो वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स वेरी कैजुअल व्लॉग एंड हैप्पी मंडे। सो आज सुबह मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। मेरी कजिन सिस्टर, वो मुझे सरप्राइज दी। सोचो कि आप जिनसे भी सबसे ज्यादा प्यार करते हो और आपने ब्लैंकेट हटाया और वो आपके सामने है, यू नो, तो कितना अमेजिंग होता है। तो एग्जैक्टली वो वाली मॉर्निंग थी मेरी और आज कुछ स्पेशल होने वाला है। हम आज जा रहे हैं पूजा दीदी की पियर्सिंग करवाने के लिए। बहुत फट रही मेरी, मैं डर रही हूँ और मैं मना कर रही हूँ कि मुझे नहीं करवाना है, पर ये मेरे को बोल रही है कि मुझे करवा के ही रहना है। देखो गाइस, पियर्सिंग का चस्का मेरे को 2 महीने पहले से ही था, ठीक है, पर मेरी इतनी फट रही थी कि नहीं हो पा रहा था मेरे से। फिर आज जो मैंने देखा, अभी दिखाती हूँ। पता भी नहीं था कि इस लड़की ने, मतलब ये अभी बहुत बच्ची है मेरे लिए, इसने करवा लिया। और उसके बाद से जो ये मेरे को बोल रही कि चल चल चल, तुझे आज ही जाना है, अभी भी मैं बहुत डर रही हूँ। वहां जाके देखते हैं क्या होता है। गाइस, हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं हम। पसीना नहीं करना मेरे को अभी, अगले कान में भी कराना है। दोस्तों, हो गया है, जितना मैं रो रही थी ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक था, ठीक है। एंड बहुत सारा थैंक यू मेरी बहन को जिसने मेरे को इतना हिम्मत दिया। सबके जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, बहन हो, फैमिली से कोई हो या कोई ना कोई हो, ऐसे होने ही चाहिए। नाउ वी कैन डू सेम पिंच। यस, इसका एक ही साइड है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्टाइलो है, मैंने दोनों साइड करवाया है। आई थिंक ये सोच रही है कि थोड़े दिन के बाद ये भी करवाएगी दोनों साइड, तो देखते हैं। अब हम एक इत्र वाली शॉप में आए हैं। बहुत बचपन में हम यहाँ आया करते थे, मम्मी के साथ पैक जाती थी। अभी सोमा को इत्र चाहिए और ये मैंने ना समर कोट पहना हुआ है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो अपने आप को धूप से बचाना पड़ता है। परफ्यूम इत्र वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, इसके बारे में सोच रही थी कुछ ले लूँ क्या यहाँ से। ओके गाइस, मैं अपना स्टोर आ गई हूँ। काफ़ी देर हो गई थी आज, एंड यू नो आज सुबह से अपने स्टोर नहीं आई थी मैं। सो दिस इज माय आउटफिट। एक सेकेंड, ये ब्लाउज हटाती हूँ। आई होप कि आप देख पा रहे हो, ज़्यादा दूर जाऊँगी तो अच्छे से दिखेगा नहीं। टॉप इज़ फ्रॉम H&M और बॉटम भी H&M से है, सो यू नो आई एम हैप्पी, अच्छा ही दिख रहा है। एंड बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, यू नो थोड़ा सा तो होगा ही ऑब्वियसली, बट मुझे जितना लग रहा था उतना नहीं हुआ।
birthday to you. Happy birthday to you. Dear Priya, happy birthday to you. गाइस तो ये था आज का वीडियो. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा. एंड गाइस आज दो चीजें स्पेशली. रुको, मेरे बाल बहुत अजीब दिख रहे हैं ना. आई नो, तुमको पता है अभी मेरे को सबसे ज्यादा डर इस चीज से लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे कंघी कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं अभी दो तीन दिन मेरा कैसे चलेगा. इसके अलावा मैं ऑइंटमेंट लेकर आई हूँ जो मुझे अभी लगाना है कुछ दिन तक, तो वो जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा. और दो चीजें स्पेशल हुई गाइज आज, ठीक है. एक तो पियर्सिंग, दूसरा आज प्रिया का भी बर्थडे था. और इस पूरे दिन के दौरान, मतलब पियर्सिंग के दौरान से ही मुझे एक बात का रियलाइज हुआ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सोमा साहा जैसे लोग ना हम सबकी जिंदगी में हमेशा होने चाहिए. वो लोग होते हैं जो आपसे सच्चा वाला प्यार करते हैं और आप जो करना चाहते हो और जिस चीज के लिए आप डर रहे हो उसके लिए वो लोग इतनी हिम्मत देते हैं, इतना पुश करते हैं कि बस आप वो चीज कर ही लेते हो. मतलब मैं अच्छे वे में बात कर रही हूँ, ठीक है. सो या स्पेशल थैंक्स टू हर एंड आई एम सो हैप्पी कि वो मेरी जिंदगी में है. एंड या आई लव हर. और मेरी जिंदगी में जो भी छोटी बड़ी ऐसी चीजें होंगी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों से मैं शेयर करूं. एंड मैं चाहती हूँ शेयर करना, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है. सपोर्ट के लिए करना क्या है, मेरे चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, एंजॉय किया कि नहीं. जो भी फीडबैक है वो जरूर बताना. मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ख्याल रखें. बाय बाय. टेक केयर. मच लव. बाय गाइस.